जय सियाराम दोस्तों, मैं अंकुश बर्मन और आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि थंबनेल में देख के आज मैं इस्कॉन के फाउंडर आचार्य स्वामी जी श्रील प्रभुपाद जी को रोकने की कोशिश करूंगा। मेरे ख्याल से तो आप लोगों सभी को इनके बारे में पता ही होगा। अगर आप लोगों को अभी नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक करके इनके बारे में अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ही करूंगा, तो उसके लिए हमें ग्रिड में इस रेफरेंस फोटो को कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसका नाम है ग्रिड फॉर ड्राइंग। उसके बाद यहाँ पर आपको ओपन पे क्लिक करना है, उसके बाद इमेज अपना सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से मैंने कई सारे वीडियो में बता दिया है, बहुत सारे वीडियो में आप लोग मेरे पुराने वीडियो देखें तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा इस एप्लीकेशन का कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको ग्रिड पे क्लिक करना है, उसके बाद आप इस रेफरेंस फोटो को किस साइज़ में ड्रॉ करेंगे, A4 से लेकर A5 से लेकर A0 तक है। तो मैं यहाँ पर इस रेफरेंस फोटो को A3 साइज़ में ड्रॉ करूँगा। उसके बाद आपको राइट साइड पे क्लिक करना है, उसके बाद ऐसे इस तरह से इतना एरिया आप जितना क्रॉप करेंगे इतना साइज़ में ही आपको ड्रॉ करने को मिलेगी। तो इतने साइज़ में मैं ड्रॉ करूँगा, तो इसके बाद ऊपर क्रॉप पे क्लिक कर देना है। इसमें जो बॉक्सेस हैं, इन बॉक्स का डिस्टेंस कितना रख के आप ड्रॉ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं 1 इंच करके रख के ड्रॉ करता हूँ। तो मैं इस बार भी 1 इंच करके ही रख के ड्रॉ करूँगा और 1 इंच में लगभग 25 mm लगभग होता है। तो अगर आप इसे A4 साइज़ में ड्रॉ करेंगे तो 24 साइज़ में मतलब A3 साइज़ का आधा 25 mm रखूँगा, तो आप यहाँ पर 12 mm रखिएगा, 12 mm, ठीक है। तो आप जो है ये बाकी जो है सेम टू सेम ही होगा आधे साइज़ में, A4 के लिए मैंने पता है। तो मैं सिंपली 1 इंच का रखूँगा, तो यहाँ पर मैं 25 mm लिख दूँगा ये मैंने लिख दिया। उसके बाद आपको डन कर लेना है, उसके बाद इसे स्केल से नाप लेना है 1 इंच करके। तो मैंने दोस्तों 1 इंच करके 25 mm करके इसे नाप लिया है अच्छे से। तो अब हम इसे लॉक कर देंगे ताकि ये जब ड्राइंग करने के टाइम ये रेफरेंस फोटो हिले नहीं। तो यहाँ पर इसे आप ब्लैक एंड व्हाइट में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर ही क्लिक कर देना है। ये क्लिक करते ही ये ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो गया। और अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट का ट्यूटोरियल चाहते हैं तो मैंने लगभग 8-9 महीने पहले या 7 महीने पहले ही ब्लैक एंड व्हाइट में ड्रॉ करके ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल अपलोड कर दिया है मेरे इसी चैनल में। तो आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, या फिर मैं आप कमेंट में बताएंगे तो मैं उन वीडियो का भी लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने ब्लैक एंड व्हाइट में प्रभुपाद जी को ड्रॉ किया है। तो इस बार तो मैं कलरिंग ड्रॉ करूंगा। तो आप इसका स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल चाहते तो जरूर कमेंट में बता दीजिएगा। और इस रेफरेंस फोटो का लिंक और आउटलाइन फोटो का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अपने इंस्टाग्राम में भी दे दूंगा, आप चाहें तो इंस्टाग्राम के साथ भी मेरे जुड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने ड्राइंग के ऊपर भी इस तरह से सेम टू सेम साइज़ में यहाँ पर भी ग्रिड बना लूँगा और साइड बाय साइड साइड में नंबर्स भी दे दूँगा सीरियल बाय सीरियल, ताकि पहचानने आसानी में हो किस कहाँ से इसका आउटलाइन हमें ड्रॉ करना है। यहाँ में दोस्तों आपको शॉर्टकट लिए बता दूँ, अगर आप बिगिनर्स हैं तो ग्रिड कैसे बनाना है। A4 में अगर आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर 1 इंच करके रख के ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर 1 इंच गैप दे देकर आपको डॉट डॉट देते जाना है दोनों तरफ से सेम सेम। उसके बाद इसे पैरेलल जोड़ते जाना है। उसके बाद कंप्लीट होने के बाद आपको साइड में जिस तरह से आपने ग्रिड में देखा था कि साइड बाय साइड सीरियल बाय सीरियल नंबर दे दिया गया है, उसी तरह से आप भी नंबर दे दीजिएगा तो आपका ग्रिड जो है कम्प्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद मैं अपने इस ड्रॉइंग कॉपी में ग्रिड बना के दिखाऊंगा। तो देखिए, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं अपने ड्राइंग कॉपी में मैंने यहाँ पर सेम टू सेम साइज़ में यहाँ पे भी ग्रिड बना लिया है और ऊपर सीरियल बाय सीरियल नंबर्स भी दे दिया है। तो आपको अब देखना है आप रेफरेंस फोटो को कहाँ से इसका आउटलाइन स्टार्ट करेंगे। तो मैं सिंपली यहाँ से हेड के इस पार्ट से इसका आउटलाइन स्टार्ट करूँगा। इस पार्ट को आपको रेफरेंस फोटो में यहाँ पर आपको देखना है ग्रिड में, तो ये कहाँ से आया है, सीधा 5 नंबर लाइन वाले के ऊपर से ये पार्ट गया है ये पार्ट। तो इधर से आपको इस साइड से भी देखना है 4, तो इस साइड से 4 आपको और ऊपर से 5। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर भी आपको ढूंढना है अपने ड्राइंग कॉपी में, ये रहा 5 और इधर से आपको 4। तो ये पार्ट हमें दोस्तों यहाँ पे मिल गया, तो इस पार्ट में से ही हमें इसका आउटलाइन ये जो पार्ट है तो ये यहाँ पर है। तो इसी तरह से आपको ऑब्जर्व करके हर एक पार्ट को ड्रॉ करना है। और मैंने जो इनके बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आप यूथ है। इनके बारे में आप अगर यूथ इंडिया का है तो इस वीडियो को देखना आप लोगों के लिए ज़रूरी है।